अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर में ग्रोटेक सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से एक आगाही सेमिनार जो है वो इनका के बाद यहाँ हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे तासरात ले रहे हैं। तो मिस्टर फरहान असलम जो एक मशहूर कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर टेक्निकल मैनेजर हैं और ये हमारे साथ जो एडवाइजरी ग्रुप है फार्मर्स का उनमें फ्री एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो पहले तो मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि ये हमें एक फ्री लेवल पे अनबायस एडवाइजरी देते हैं फार्मर्स को और अपनी मुफीद जो मालूमात हैं फसलों के मसाइल के हवाले से जो बीमारियों के हवाले से वो ये अपनी शेयर करते रहते हैं ग्रुप में। तो फरहान साहब का बहुत शुक्रिया सर। तो आपके आपसे चंद सवाल हैं क्योंकि आपने हमारा एक सेशन अटेंड किया आज का कि इस सेशन में जो हमने फार्मर्स को एक गाइडलाइन दी है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि जहां हम दूसरे जो अवामिल अदा कर रहे हैं स्प्रे के खाद के जो दूसरे मामलात हैं फार्मर्स को उस पर गाइडेंस देने रहनमाई दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फार्मर्स को लेके आए उनकी इंतजामी सलाहियत के हवाले से जो हमने बात की तो फार्मर्स को इन सर्विसेज इस्तेमाल करके कितना फ़ायदा हो सकता है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा इशू है फार्मिंग कम्युनिटी का वो जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो एडवांस चीज़ें हो रही हैं हमारी एग्रीकल्चर में वो उन तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, इसी तरह जैसे आप लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से सॉइल एनालिसिस करके उसकी बेस पे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रिसाइज और ऑप्टिमम रिकमेंडेशन है। देखें फार्मर अगर हम जनरली अपने सॉइल्स की बात करें तो हमारा जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो भी हमारी ज़मीनों को तीन हिस्सों में तकसीम करता है। कमज़ोर ज़मीनें हैं, औसत ज़रखेज़ ज़मीनें हैं और ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। बेस और नामियाती मादा है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है या पोटाश की अवेलेबिलिटी है। लेकिन जो हमारी फार्मर की प्रैक्टिस है आम रूटीन में 99% फार्मर्स जो हैं विदाउट एनी सॉइल एनालिसिस विदाउट एनी जनरल रिकमेंडेशंस उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें तय की हुई हैं कि मैंने इस फसल में बस ये फर्टिलाइज़र डालनी है। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि मेरी इसमें कॉस्ट कहाँ जा रही है, मेरी इसमें प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को प्रिसाइज करें, ठीक है, और उन प्रिसीजन के साथ साथ हम उनकी रिकमेंडेशंस की तरफ जाएं। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं और प्राइसेस जिस तरह वेरी कर रही हैं तो फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अपनी इनपुट्स को मैनेज करें। तो जो आप दोस्तों ने आज यहाँ बातें डिस्कशन हमारे साथ शेयर की डिस्कशन में और फार्मर्स भी यहाँ पर मौजूद थे तो उससे लग ये रहा है कि एक बड़े ही इकोनॉमिकल वे में हम चीज़ों को ना बड़ा ही ऑप्टिमाइज़ कर जाएंगे। हम जिस चीज़ की जब और जितनी ज़रूरत है वो जो हम असूल पढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र कब देनी है, कितनी देनी है, किस तरह देनी है, तो शायद इसके ज़रिए वो बड़ी आसानी से जो है फार्मर घर बैठा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हुआ अपनी क्रॉप की मैनेजमेंट कर सकेगा। इनपुट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आउटपुट चूँकि इनपुट्स मैनेज होकर जा रही होंगी प्रॉपर टाइम पर जा रही होंगी तो उसके नतीजे में जो हमारे पास आउटपुट्स आएंगे वो बेहतर आएंगे। कॉस्ट भी इसमें रिड्यूस होती हुई हमें नज़र आती है और जो फार्मर का टेक होम है वो भी जो है उसमें हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि हमारे यहाँ फार्मर जो है वो ज़्यादातर परेशान होता है कि जब उसने फसल काट ली है और फसल काटने के बाद उसको जो आउटपुट मिलनी है वो नहीं उसको मिलती, इस तरह अगर जो है वो उसको अपनी फसलों के ऊपर अगर उसने कोई अखराजात करने हैं उसकी वो किस तरह से मैनेजमेंट और प्लानिंग करे, तो ग्रोटेक सर्विसेज के हवाले से हमने जो काविश की है कि हम फार्मर को जो पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी फैसला साजी अपनी मैनेजमेंट और सिफारशात को बेहतर तरीके से करें, क्या इससे उसकी पैदावार जो अखराजात हैं या उसकी जो पैदावार में इजाफा है वो मुमकिन है इससे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें दो चीज़ें हैं इसमें। जैसे एक तो भी हमने सैटेलाइट इमेजिंग और उसकी बेस के ऊपर जो रिकमेंडेशंस की बात की और उसके साथ साथ जो आप लोग ग्रोटेक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के एडवाइजरी सर्विसेज के जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ और भी बहुत सारे उसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो फील्ड ओरिएंटेड लोग हैं, वहाँ पे जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती है और उसकी बेस के ऊपर वहाँ पे फार्मर्स अपने मसाइल हमारे से डिस्कस करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, उसकी बेस पे जो बेस्ट ऑप्टिमम और ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन होता है, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस होता है, जब उसकी रिकमेंडेशन होती है तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशंस मिलता है फार्मर को। और वो जो ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये कर लो इसे ठीक नहीं होगा तो फिर मैं ये कर लूँगा, इसे ठीक नहीं हो रहा तो फिर मैं ये कर लूँगा, उससे जो है वो निकलते हुए ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि आपने कोशिश की है कि स्टेक होल्डर्स और फार्मर्स को इकट्ठा किया है ताकि वो डायरेक्टली आपस में जो है ना उनका इंटरेक्शन हो और जो वहाँ से जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर एड्रेस हो रहे हैं और वहाँ पे उनको बेहतरीन किस्म की जो सिफारशात मिल रही हैं अपनी फसलात के हवाले से, तो फार्मर जो है तजर्बात से निकल गया है, अब वो वही चीज़ कर रहा है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हुए जो उसका सोल्यूशन है। पहले बार बार 90% मैं समझ लूँ फार्मर्स तजर्बात करते हैं, जहाँ भी चीज़ें ठीक हो जाए वहाँ पर आगे रुक जाते हैं। तो ये जो बेहतर और ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड जो रिकमेंडेशन होती है मैं समझता हूँ कि फार्मर का उससे भी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।